नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। सो आशा करती हूँ कि आप सब जो ये लोशु ग्रिड का सीरीज है उसे फॉलो कर रहे हैं और अब आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। हम लोगों ने बात किया है कि आप अपनी लोशु ग्रिड को कैसे बनाते हो, आपका मूलांक, भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ के बाकी सारे नंबर्स को आप उस ग्रिड में कैसे डालते हो, कैसे फिल इन करते हो, साथ ही साथ आपका कुआ नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मेल हो तो आप कैसे करोगे, फीमेल हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे और उसे ग्रिड में फिल इन करोगे। उसके बाद हमने ये भी समझा है कि अगर कोई भी नंबर आपके ग्रिड से मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कोई रिपीट हो रहा है तो हाउ डज इट इम्पैक्ट यू, सब नंबर्स के क्या एलिमेंट्स है, क्या डायरेक्शन है। सो वी हैव लर्न द बेसिक ऑफ लोशु। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अब इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है प्लेन्स एंड एरोज के बारे में। ये जो प्लेन्स और एरोज होते हैं आपके ग्रिड में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब ये सीखोगे तब आप अपने ग्रिड को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकोगे और जब वो इंटरप्रेट कर सकोगे तो निश्चय रूप से आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। साथ ही साथ अगर आप और किसी के ग्रिड बना रहे हो और उसे इंटरप्रेट कर रहे हो तो यू विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन जिसका आप ग्रिड बना रहे हो। सो इस प्लेन और एरोज को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो प्लेन्स और एरोज है जो पर्सन के थॉट प्रोसेस, उनका डेमिनर कैसा है, उनके सोचने का तरीका क्या है, उनका स्वभाव क्या है, ये सब आपको पता चलता है ये प्लेन और एरोज से। सो लोशु ग्रिड में ना देर आर फोर टाइप ऑफ प्लेन्स एंड एरोज। एक होते हैं वर्टिकल प्लेन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तीसरा है डायगनल प्लेन एंड द फोर्थ वन इज द शॉर्ट एरोज। सो आज के इस वीडियो में वी विल कवर टू थिंग्स जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। चारों एक ही वीडियो में कवर करने से इट विल बिकम टू लॉन्ग, सो वी विल कवर टू इन दिस वीडियो एंड टू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन हम आ जाएंगे रेमेडीज के पास। सो होल्ड ऑन, अच्छे से सीखे क्योंकि हम रेमेडीज के बहुत नज़दीक हैं। सो वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं? आप देखोगे कि आपके ग्रिड में तीन लाइन वर्टिकली बन रहे हैं। पहला वर्टिकल लाइन है 438, दूसरा है 951 एंड द थर्ड वन इज 276। ये जो है ये आपके तीन वर्टिकल प्लेन्स है। ये प्लेन्स आपके लिए तभी एक्टिवेटेड है जब कोई भी जो हमने वर्टिकल लाइन कहा, जैसे अगर हम 438 ले, उनमें से ये तीनों नंबर अगर आपके ग्रिड में प्रेजेंट है तभी ये वर्टिकल प्लेन आपके लिए एक्टिवेटेड है या काम करता है। 438 में से अगर कोई भी एक नंबर मिसिंग है, यू नो मे बी यू हैव 4 और 3 बट 8 नंबर मिसिंग है, या 3 और 8 है बट 4 नंबर मिसिंग है, देन दिस प्लेन इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर यू। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट प्लेन ऑल्सो 951, तीनों नंबर्स प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं एंड फॉर द थर्ड वन ऑल्सो 276। जब तीनों नंबर प्रेजेंट होंगे तभी ये प्लेन आपके लिए एक्टिवेटेड है। सो इन प्लेन्स के मीनिंग क्या होते हैं? जो पहला वर्टिकल प्लेन है 438, इसे हम कहते हैं थॉट प्लेन, क्योंकि ये थॉट प्लेन है। यू नो ये रिवील करता है पर्सन में कितनी कैपेबिलिटी है टू कम अप विथ न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो उन्हें कैरी थ्रू करने के लिए टू गिव इट अ रिजल्ट। यू नो वो ये प्लेन डिनोट करता है। ऐसे लोगों का जो ब्रेन होता है ना काफ़ी शार्प होता है एंड उनकी थॉट प्रोसेस इज वेरी रिफाइंड। यू नो पीपल विद दिस प्लेन मेक अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। सो अगर आपके पास ये प्लेन कंप्लीट है तो यू कैन थिंक ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन। आप देखोगे कि ऐसे लोगों का जो माइंड है ना काफ़ी शार्प होता है। नेक्स्ट जो हमने वर्टिकल प्लेन कहा वो है 951, ये है, इसे हम कहते हैं विल प्लेन, जो आपके मिडिल वर्टिकल लाइन है। दिस डिनोट्स योर डिटर्मिनेशन। जिनके पास ये प्लेन होता है ना उनकी डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, मेंटली काफ़ी स्टेबल होते हैं, उनमें फाइटिंग स्पिरिट होता है, स्ट्रांग विल्ड होते हैं, डाउन टू अर्थ भी होते हैं।
उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है एंड उनके लिए यू नो मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन या बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है. सो आपके पास ये प्लेन है तो गिव इट अ थॉट. अब लास्ट वर्टिकल प्लेन जो है वो है 276. इसे हम कहते हैं एक्शन प्लेन. ये आपकी काबिलियत दिखाता है कि आपके जो थॉट्स हैं उनको आप कितना एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. जिनके पास ये प्लेन होता है वे काफ़ी अच्छे डिसीशन मेकर्स होते हैं, क्विक डिसीशन मेकर्स होते हैं एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वे थोड़े इम्पेशेंट भी हो सकते हैं. उनके लिए आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स एंड यू नो बीइंग इन द सेल्स सेक्टर, दीज आर वेरी गुड एरियाज. अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में, जैसे आपने देखा कि हमारे पास 3 वर्टिकल प्लेन है, वैसे ही हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है. पहला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो जो टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो है 492. इसे आप देखो, अगर ह्यूमन बॉडी की तरह देखो, इसे हम कहते हैं मेंटल प्लेन. ये पर्सन के हेड को रिप्रेजेंट करता है एंड आपके थिंकिंग, क्रिएटिंग, इमेजिनिंग एंड एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है. जो मिडिल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट इज़ 357, उसे हम कहते हैं इमोशनल प्लेन. ये आपकी शरीर को रिप्रेजेंट करता है एंड ये इंक्लूड करता है आपके स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट, आपके इमोशंस, आपके जो इंट्यूशन है, फीलिंग्स है, ये सब आपके सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में आता है. जो थर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो है 816, जिसे हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं और वो आपके, आप समझिए, फीट को रिप्रेजेंट करता है. ऐसे लोग काफ़ी लेबोरियस होते हैं, वे फिजिकली काफ़ी काम करते हैं एंड साथ ही साथ वे अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल भी होते हैं. सो यू नो दीज आर द 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स. जैसे कि आपने देखा 3 वर्टिकल प्लेन है, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है. अभी तो हमने बात की कि ये प्लेन्स अगर आपके पास पूरी तरीके से मौजूद है तो वो आपको क्या बेनिफिट्स देते हैं. दूसरी तरफ ये प्लेन्स अगर आपके पास पूरी तरीके से है ही नहीं, मतलब उस प्लेन में से, तीनों में से कोई भी नंबर नहीं है, तो वो प्लेन आपके लिए नेगेटिव बन जाता है एंड वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने पहले वर्टिकल प्लेन्स की बात की, तो 438 था हमारा पहला वर्टिकल प्लेन. अगर 438 तीनों नंबर्स ही आपके ग्रिड में नहीं हैं, देन ओनली इट बिकम्स नेगेटिव. अगर कोई भी एक नंबर भी प्रेजेंट है उस प्लेन में, देन इट डज नॉट गिव यू द कम्प्लीट नेगेटिव इफेक्ट. तो प्लीज़, जैसे कि तीनों नंबर प्रेजेंट होने से ही वो प्लेन आपके लिए एक्टिवेट होता है, सिमिलरली तीनों नंबर एब्सेंट होने से ही वो प्लेन आपके लिए नेगेटिव होता है. सो वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, अब हम उसे जानते हैं. सो अगेन, स्टार्टिंग विद द वर्टिकल प्लेन्स, अगर 438 है आपके ग्रिड से एब्सेंट, तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ कन्फ्यूजन. क्योंकि आपने देखा कि ये आपका थॉट प्लेन था और वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी जो डिसीशन मेकिंग होगी, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगी. आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा लाइफ में, आप लॉजिकल नहीं होंगे, मेथडिकल नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे एंड आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने में काफ़ी असमर्थ रहेंगे. और या तो आप कभी बनाओगे भी तो उसे कंप्लीट करने के पहले आप खुद ही अपने प्लान को साबोटाज कर दोगे. सेकेंड वर्टिकल प्लेन्स 951, अगर वो आपके ग्रिड से कम्प्लीटली एब्सेंट है, तो ये होता है एरो ऑफ इनडिसिशन. अब अगर आपके पास ये एरो है, तो पीपल विद दिस आर वेरी डेस्परेट टू बी लाइक्ड बाई पीपल, टू बी एक्सेप्टेड बाई पीपल एंड इसीलिए वे काफ़ी जल्दी औरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड अप फॉर वॉट दे बिलीव इन, बिकॉज क्योंकि उन्हें हर टाइम और सबकी वैलिडेशन और अप्रूवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. थर्ड वर्टिकल प्लेन 276, अगर ये एब्सेंट है, तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ एपथी, APATHY. ऐसे लोगों में मोटिवेशन नहीं होता है, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आने से वे उसे ग्रास्प नहीं कर पाते हैं
They are indecisive, frightened to take risks and we generally अपने लाइफ में जितना मेहनत करते हैं ना उसका फ्रैक्शन ही अचीव कर पाते हैं. So, you know, having one arrow completely missing, it does impact your life negatively, but क्योंकि अब आप ये पढ़ाई सीख रहे हो, आप लोशु ग्रिड के बारे में जान रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आपके में कोई भी एरो कम्प्लीटली मिसिंग है तो हम उसकी रेमेडीज भी करेंगे. आप ये सीखते सीखते साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में भी बताते रहिए कि कौन से एरोज आपके या कौन से प्लेन्स मिसिंग है या कौन से प्लेन्स कम्प्लीट है, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपका ग्रिड आपसे क्या कह रहा है. Now, of the last portion of this video, अब बात करते हैं horizontal planes के बारे में. So, the first horizontal plane 492, वो completely अगर आपके grid में से missing है, so this is the arrow of poor money. So, आप देखोगे कि you know जिनके chart से ये completely missing है, so these people are you know उनको जनरली पैसे उनके पास टिकते नहीं हैं, उनके थॉट्स विविड होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक मेंटल इम्बैलेंस भी हो सकता है. सो और जैसे जैसे वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं नो दे ग्रो ओल्डर, आप देखोगे कि उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी कम हो जाती है. द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन 357, इसे हम कहते हैं एरो ऑफ लोनलीनेस, अगर ये आपके ग्रिड से कम्प्लीटली मिसिंग है. सो ऐसे लोगों में ना फीलिंग्स जो होती है वो काफ़ी लैक करती है, या वे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. दे आर सो यू नो कंज्यूम्ड एट टाइम्स इन अचीविंग देयर गोल्स कि वे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका पर्सनल लाइफ जो है काफ़ी सफ़र करता है. ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन में ना हंसना, खुश रहना, प्यार करना सब कुछ भूल गए हैं एंड उनके लाइफ से ये मिसिंग होती है, एंड दैट इज़ वाई दे लीड अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस. लास्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन 816, अगर ये आपके ग्रिड से मिसिंग है तो ये डिनोट करता है आपके एरो ऑफ लॉसेस को. सो यू नो ऐसे लोग जनरली कोशिश करते हैं क्विक रिच स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, यू नो दे वांट इंस्टेंट मनी, एंड इसीलिए वे काफ़ी हद तक स्कैम्स में, फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, या दे ट्राई टू आल्सो वॉक ऑन दैट पाथ, एंड लोगों को चीट करने का उनका इंटेंशन रहता है, बिकॉज ऑफ विच दे सफर इन लाइफ, एंड इसीलिए वे लाइफ में ना कुछ एक वर्थ वाइल गोल नहीं बना पाते हैं और लाइफ में उनकी काफ़ी स्ट्रगल्स होती है. ये तो हमने बात की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में, अगर वो आपके ग्रिड में कंप्लीट है या कम्प्लीटली मिसिंग है सो हाउ डज इट इम्पैक्ट अस. हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके ग्रिड में कौन से प्लेन कम्प्लीट है, कौन से प्लेन कम्प्लीटली मिसिंग है, या कोई भी प्लेन कम्प्लीटली प्रेजेंट भी नहीं है, मिसिंग भी नहीं है, देन ऑल्सो इट्स ओके. Next, we are going to talk about the diagonal planes and the short arrows in the next video, which is a very important concept. And short arrows जो है वो काफ़ी important होता है, एंड वो mostly लोगों के grid में कुछ ना कुछ arrows ज़रूर present होते हैं, and that is very important for you to understand. So keep watching, keep sharing us with all your love and abundance. हमें comments में ज़रूर बताएं आपको हमारा video कैसा लग रहा है, how much you are learning, and हम इस course में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. Very soon we'll be touching upon remedies, which is going to complete the course, and I'm sure you all are going to love it. Thank you so much for watching us.